से। अल्लाह अकबर। मेरे बच्चे एक दिन भी फजर नहीं छोड़ते। उस मस्जिद के मुसल्ली ने मुझे कहा, जब से मस्जिद बनी है मैं बच्चों को देख रहा हूं, छोटे छोटे बच्चे फजर की नमाज से लेकर इशराक तक मस्जिद में बैठकर अल्लाह का कलाम पढ़ते हैं, और इशराक के बाद जो किताबें हैं लेकर पहली मंजिल में जाकर जो स्कूल की तालीम है उसे अपने तरफ से पढ़ते हैं। कितने नंबर मालूम? 98.5। कितने नंबर? परसेंटेज क्या है बच्चे का? 98.5। अल्लाह के घर से अपने आप को जोड़ लो, पहले दुनिया बनेगी फिर आखिरत अल्लाह बनाएगा इंशाल्लाह जरूर। कर्नाटका की एक बच्ची, मैं अपना कालर हला के बोलता हमेशा इसका नाम, 625 को 624 नंबर लेकर आई। कितने? 625 को 624 लेकर आई। सुभान अल्लाह। मैं मिलने के लिए गया, घर को मिलने के लिए गया, मैं उस बच्ची को मिलने के लिए, सब में 100 100 100 100 100, एक में 99। हमारे उलमा में एक आलिम है मदीना मुनव्वरा में, उनको यही नंबर मिले थे। जी हाँ, हमारे कर्नाटका के एक आलिम है, उनको यही नंबर मिले थे, और उस पर हमारे उस्ताज़े मोहतरम हाफिज हफीज़ुर रहमान साहब आज़मी उमरी मदनी हफी रहिमहुल्ला, अभी हफीज़ुल्ला नहीं रहे, उन्होंने एक हेडलाइन लिखी थी, अब्दुल अजीम की फौजे अजीम, अब्दुल अजीम की फौजे अजीम, उनका लफ्ज था ये। सुभान अल्लाह। एक नंबर उस बच्ची से जब मिला, सुभान अल्लाह, उस बच्ची ने जो मुझसे कहा, इतना दिमाग मेरा नहीं था, मैंने इस तालीम के साथ साथ कुरान हिफ्ज करना शुरू किया, मैं 17 पारे की हाफिजा हूं। कितनी? जैसे जैसे मैं कुरान पढ़ना मैंने शुरू किया, रब ने मेरे दिमाग को खोल दिया। सुभान अल्लाह। पूरे उड़पी डिस्ट्रिक्ट को वो बच्ची नंबर वन है। क्या समझते हैं? ये जो सुबह का वक्त है मेरे भाइयों, मेरे नौजवान दोस्तों, आगे अगर बढ़ना है, मां बाप हजरात कितनी भी अच्छी ट्यूशन में डाल लो, लाखों रुपए ट्यूशन को लगा लो, अगर तुम्हारा बच्चा अल्लाह के घर से अगर दूर है, फजर की नमाज से अगर दूर है, तो फिर भूल जाओ उसकी कामयाबी, आप भूल जाओ आप। इसलिए कि रब का कलाम कभी गलत नहीं हो सकता, अल्लाह अज़्ज़ वजल का कलाम कभी गलत नहीं हो सकता। अगर चाहते हो बच्चे और बच्चियां दोनों को दुनिया व आखिरत में अगर कामयाबी चाहते हैं, तो फिर इस गफलत से बचने की कोशिश करें। पहली चीज